نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاكلين अल्लाह अरे नल हक हक कऊ और जुकन तिबाड़ा अल्लाह नलबा اللهم तिलू رشدا जुकनज तनाबा شرور अलहिम ना आमीन सुमीन आज मैं अपनी नई ब्याही हुई न्यूली वेड बच्चियों से मुखातिब हूँ बहुत दफ़ा मेरे पास बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली होती है वो मेरे पास आती हैं और पूछती हैं कि हमें कुछ मशवरा क़ुरान हदीस के हवाले से दें बहुत दफ़ा माएँ कहती हैं कि हमारी बच्ची की शादी होने वाली है उसके लिए कोई बात कोई टिप्स बताएं और हदीस के हवाले से तो असल बात यह है जो हम सभी जानते हैं कि एक बच्ची शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है अपना घर अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अपनी बस्ती बहुत दफ़ा अपना शहर अपना मुल्क छोड़कर वो एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के दरमियान जहाँ उसकी ज़िंदगी अक्सर बदल के रह जाती है इस इतनी बड़ी तब्दीली और इतनी बड़ी एक रेडिकल चेंज को एक्सपोज होती है और मैं जब ज़रा सोचा मैंने और मैंने गौर किया तो मैंने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हिजरत के बाद एक इतनी बड़ी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके हालात में देखी आप देखें कि जब हिजरत हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए घर बार अपने वहाँ के रिश्तेदार अपनी बस्ती अपना वतन छोड़ा हालात मामलात वाकयात माहौल क्लाइमेट एनवायरमेंट सोहबत ज़िम्मेदारियाँ कंडीशंस सब कुछ चेंज हो गया ना और जब आप सल्हल मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर सोरा बकरा बिल्कुल इब्तदाई मदनी दौर में नाजिल हुई और सूर्य बकरा में अल्लाह ने तसूल सल्हस को बहुत खूबसूरत एक चार अहकाम और चार तरीकों पर मुश्तमिल एक तरीका सूर्य बकरा में बताया अल्लाह सुबहाना ताल फरमाया फसरूनी असुरकुम वशरूली वाला तकफ़रूनी वसतायीन व बेसब्र वसलात तो जब मैंने इन आयात को पढ़ा तो मुझे ऐसे हालात के लिए ये जो चार काम हैं कि जब ज़िंदगी की हालत बदल जाए ज़िम्मेदारियाँ ड्यूटीज़ रिस्पांसबिलिटीज़ कंडीशंस एनवामेंट्स सब कुछ चेंज हो जाए तो आई डिराइव फ्रॉम हेयर कि ये करने के चार बहुत बड़े काम हैं तो नई ब्याही हुई बच्चों को जो सबसे पहली बात मैं कहूंगी वो शुक्र है टू तो बी ग्रेटफुल टू अल्लाह अल्लाह का शुक्र करना शुक्र का मतलब अल्लाह की नेमतों का एतराफ है ना और मेरा ख्याल है कि वो बच्ची जिसकी शादी हो जाती है और उसको एक शौहर और एक नया घर मिल जाता है उसके लिए बहुत बड़े शुक्र की बात है कि एक अच्छा घर मिला एक अच्छा बर मिला एक जिंदगी का नया साथी मिला बहुत सी बच्चियां हमारे माशरे में इस नेमत से महरूम हैं तो सबसे पहले तो जो मैं एडवाइज करूँगी कुरान हदीस की रूह से वो ये कि शुक्र करें शुक्र को अपनी जिंदगी में एक लाजिम एक लाजिम चीज बना लीजिए अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ शुक्र है और मेरे रब की नेमतें तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि इतनी है कि वो खुद अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहोगे तो इनको शुमार नहीं कर सकते एंडलेस काउंटलेस जितनी हमने मांग के लिए हैं उससे ज्यादा उसने हमें बिन मांगे दी हैं जितनी मुझे और आपको है उससे ज्यादा वो हैं जिनका हमें पता ही नहीं है तो अल्लाह इतराफ नाफर करती रहें शुक्र एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ी दौलत है ने कुरान में शुकर के हवाले से फरमाया ना लाइन शकर नाला देखो अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नियमतों से नवाजूंगा और अगर तुम मेरा कुफर करोगे कुफरने नमत करोगे थैंकलेस जिंदगी गुजारोगे तो फिर याद रखना मेरा अजाम बहुत सख्त है एंड दिस इज एक्टली हाउ इट इज मैं आपको बताऊं कि जब एक शख्स बहुत महरूम भी होता है ना उसके पास नेमतें बहुत थोड़ी भी होती हैं लेकिन उसके दिल में शुक्र की नेमत और शुक्र की दौलत होती है ना तो वो हर हाल में राजीब रजाक कंटेंटेड मुतमिन पुरसकून होता है और ये वही है ला अजीज फिर उसको अपनी बाकी नेमतें और ब्लेसिंग्स नजर भी आती हैं उस कंटेंटमेंट में लेकिन वो शख्स जिसके पास लाखों करोड़ों नेमतें हों और नेमतों से माला माल ओ यू नेम एन ई हैज इट बट उसके बावजूद उसके पास शुक्र करने वाला दिल या शुक्र की दौलत ना हो तो मैं बताऊं कि ये न शुक्रा शख्स जो है ना वो इतनी नेमतों के बावजूद भी हर वक्त रोता धोता क्रिबिंग बिकरिंग ग्रम्बलिंग परेशान ना खुश ही रहेगा ये शुक्र बहुत बड़ी दौलत है शुक्र बहुत बड़ी नेमत है यही वो अजाबी लशदीद है कि जो शख्स शुक्र नहीं करता फिर वो हर हाल में रोता धोता और परेशान और मायूस और नाउमीद और घबराहटों का शिकार रहता है लेकिन जो शुक्र करता है वो हर हाल में शादा फरहा कंटेंटेड रहता है और जो अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकता वो अल्लाह के बंदों का क्या खाक हाँ शुक्र करेगा तो शुक्र करना सीखें और पहली चीज जो अपनी जिंदगी में अब आज के बाद आपने राइज करनी है वो शुक्र करना शुक्र होगा तो जिंदगी खुशहाल होगी और मैं आपको बताऊं कि आज आज अक्सरियत की जिंदगी को ये ना शुक्री का घुन उनकी खुशियों को रोग बन के खा गया है आज हर चीज़ की जो नशुक्री है ना मेरा घर बहुत छोटा है मेरे ससुराल बहुत डिमांडिंग है मेरे मेरे शोहर की पे बहुत कम है मेरी तो बरी बिल्कुल अच्छी नहीं मेरी ज्वेलरी बहुत थोड़ी है मेरे पास सॉलिटेयर नहीं है मेरी इंगेजमेंट रिंग बहुत छोटी है मेरे पास डिजाइनर हैंड बैग्स नहीं है मैं डिज़ाइनर जोड़े नहीं पहन सकती हूँ मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ हाँ हम मेरा शोहर मुझे डाइन आउट कराने के लिए नहीं ले जाता मेरा शोहर बोलता बहुत कम है मतलब मैं 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 कंबाइन सिस्टम में मुझे रहना पड़ रहा है कंबाइंड सिस्टम वाली कंबाइंड सिस्टम में रह के शुक्र नहीं तो तुम्हें रहना पड़े साथ के साथ तो तुम्हें पता चले दो दिन में तुम्हारा दिमाग सीधा हो जाए और जो अलग सिस्टम में रह रही है वो वहां पे शुक्र नहीं करी तुम्हें अलग रहना पड़े तुम्हें सिस्टम चलाना पड़े तुम्हें पूरे का पूरा सिस्टम रन करना पड़े तुम्हें लग पता जाए हर हाल में शुक्री ये वो घुन है ये वो रोग है जो हमारी खुशियों को खा के रह गया तो शुक्र करना सीखिए अगर पहले शुक्रिया थी भी तो अब अल्लाह का अपने हस्बैंड का अपने इन लॉज का अपने पेरेंट्स का हर एक का शुक्र करे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और शुक्र जो है ना अल्लाह का शुक्र कैसे करते हैं मसलन आप देखें कि हम किसी का शुक्र कैसे करते हैं अगर कर मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं बाय वर्ड ऑफ माउथ शुक्र करती हूँ फिर मैं दिल में उसकी उबलाइज्ड फील करती हूँ और बहुत ग्रेटफुल होती हूँ इसने मुझे तोहफा दिया और इसने मुझे याद रखा और उबलाइज फील करती हूँ अब फिर सिर्फ यही नहीं फिर उसको राजी करने और उसको खुश रखने की भी कोशिश करती हूँ और उसके तोहफे को रिटर्न भी करती हूँ सो दैट इज एग्जैक्टली जैसे हमें अल्लाह का शुक्र करना है ज़बान से भी शुक्र करना है दिल से अल्लाह की नेमतों का इतराफ करना है कि उसने मुझे बहुत नेमतें दी हैं और उसका अबलाइज फील करना है और फिर दिल से उसकी नेमतों का इतराफ़ करके उसको राजी रखने की कोशिश उस रब की फर्मा बरदारी की कोशिश उसकी ओबीडियंस शुक्र का लाजिम तकाज़ा है कि जब हम अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ करते हैं तो उसके बाद वो रब जिसको हमने अपना मोहसिन बना लिया जिसने हमें नेमतों से माला माल कर दिया उस मोहसिन को फिर राजी करने के लिए उसकी ओबीडियंस जो पहले नाफरमानिया थी उसको छोड़कर उसकी फरमा बरदारी करनी है जो पहले डिसबीडियंसेस थी उनको ओबीडियंसिस में चेंज करना है ये शुक्र का तकाजा है तो शादी के बाद फिर शुक्र को अपने दिल में लाने के लिए अमली शुकर के तौर पर नमाज मैं बहुत ज्यादा बच्चियों से कहा करती हूँ कि अगर जिंदगी शादी से पहले की जिंदगी में नमाज में कोई कमी और कुताही भी थी तो शादी के बाद मेक रेजोल्यूशन न्यू रेजोल्यूशन्स के शादी के बाद नमाज की कमी नहीं पंज गा नमाज वो रब जिसके हुक्म से मेरी तकलीफें कटेंगी मेरी परेशानियां मेरे गम छटेंगे मेरी मुसीबतें आसान होंगी मेरी जिंदगी के रोड़े पत्थर दूर हो जाएंगे उस रब की मुलाकात नमाज है पांच दफा दिन में नमाज का कायम करना अपने लिए लाजिम कर लीजिए और जाहिर है नमाज के लिए फिर तहारत और पाकी मैं बच्चियों को शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा एडवाइस किया करती हूँ और बाद में भी एडवाइस करती हूँ शतर ईमान तहारत निसफ ईमान है और व युहबुलतवाबीन अवैहबुलमतरीन अल्लाह को पाक साफ रहने वाले और तौबा करने वाले बहुत महबूब हैं और तहारत और गुस्ल के मामला जो है उनके बारे में बहुत विजिलेंट रहिएगा एक तो मैं सब न्यूली वेड बच्चियों से क्या मैं सभी खुतिन से भी हमेशा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूं कि यू माइट बी थिंकिंग कि आपको गसल का तरीका आता है लेकिन फिर भी गेट कनेक्टेड विथ साम्बडी किसी बाकायदा कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले से एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लीजिए कहीं हम कोई कमी ना कर रहे हो अपना तरीक़ा सुना दीजिए उनसे करेक्ट गुसले जनाबत का और पाकि और तहारत का तरीक़ा सीख लीजिए कहीं हमारी ज़िंदगी ना पाकि में ना गुजर जाए और फिर ये गसल वगैरह के मामलों में सुस्ती नहीं करनी मैं बहुत दफा न्यूली वेड बच्चियों को बाल धोने बार बार मुश्किल लग रहे हैं ये नेल पॉलिश उतारनी मुश्किल लग रही है ये छोटी छोटी सुस्तियां और उसकी वजह से जब गसल पूरा और मुकम्मल नहीं होता तो कैन यू बिलीव कैन यू इमेजन जिंदगी नापाकी में गुजरती रहती है नजासत में गुजरती रहती है अल्लाह की मोहब्बत से महरूमी में और नमाजें कबूल ही नहीं होती हैं तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी परफेक्ट इन योर स्किल एंड नो हाउ अबाउट गुस्सल एंड एवरी थिंग और इसमें किसी किस्म की कोई सुस्ती नहीं करनी अल्लाह की फर्मा बरदारी और अल्लाह की अतात में शुक्र के हवाले से मैंने आपको सबसे पहले तो नमाज की बात की क्योंकि नमाज रब की मुलाकात है पांच दफा अपने रब से मिलें और अपने दुखड़े अपनी परेशानियां अपनी हाजतें उसको बयान करें यही इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा सुकून भी देगा सकीना भी देगा और इंशाल्लाह आपकी दुआएं अल्लाह के हजूर भी पहुंचाएगा लेकिन एक और बात जो अल्लाह के हक के हवाले से और उसकी ओबीडियंस के हवाले से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको सिस्टम जानना है वो अपनी जक़ात की अदायगी अव्वल तो शादी से पहले ही लेकिन या शादी के बाद अपनी ससुर से जो गोल्ड आपको वहां से मिला है और जो चीजें आपको वहां से मिली हैं और अपने पेरेंट्स से मिली हैं उसकी एक्चुअल जो जक़ात देने वाला वजन है उसको डे वन से एस्टिमेट कर लीजिए यू शुड नो आपको पता होना चाहिए डे वन से कि आपको एक साल के बाद कितनी जक़त अदा करनी है आपके ऊपर कितनी जकआत फर्ज है ये डे वन से आपको प्लान करना है और कहीं ऐसा ना हो बिकॉज इनिशियल जिंदगी में कई दफा हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज <coughs> हमारे हस्बैंड की जेब हमारे अपने रिसोर्सेज हमें अलाउ नहीं कर रहे होते और हम लल्लों तलल्लों में अपनी सलामी और बहुत सी चीजें जो है वो जाया कर देते हैं बट फ्रॉम द डे वन यू हैव टू नो एंड यू हैव टू डिसाइड कि मुझे एक साल के बाद इतनी ज़कात अदा करनी है तो प्लान अकॉर्डिंगली और ये ज़कात का मामला पहले साल से ही इसमें कमी कोताई नहीं होगी शुरू से ही आपको उसका वजन पता होना चाहिए फिर अल्लाह की फर्मा जाहिर है हम तभी कर सकेंगे अल्लाह का शुक्र करना चाहते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जाहिर है हमें रब पसंद जिंदगी का तरीका तो कुरान के अलावा और कहीं से नहीं मिलेगा अगर अपनी अनमेरिड जिंदगी में अपनी शादी से पहले की जिंदगी में ताल्लुक कुरान कम भी था थोड़ा भी था या था ही नहीं तो शादी के बाद आपने एक नई जिंदगी का आगाज करना है एक जिंदगी का सफ़र शुरू होगा वहाँ पे एक आपका फैमिली सिस्टम इवॉल्व होगा वहाँ पे आपकी पूरी नई फैमिली के साथ आपने इंटरेक्ट करना है और फिर आपने अपनी पूरी एक फैमिली बनानी है अपना सिस्टम ऑफ लाइफ लेकर चलना है बगैर क़ुरान की रहनुमाई और गाइडेंस के ये मुमकिन नहीं होगा हमने कुरान से रहनुमाई क्यों लेनी है ये मैं बहुत दफ़ा लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप देखें कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेती हैं कोई गैजेट्स लेती हैं कोई इलेक्ट्रिक मशीनरी लेती हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही का लेती है ना मसलन अगर आपने माइक्रोवेव अगर नेशनल का लिया है तो आप हिटाची वालों का मैनुअल तो नहीं लेंगी बिकॉज यू ऑब्वियसली नो कि जो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो मैन्युफैक्चरर का ही बेहतरीन होगा इसको कितनी वोल्टेज पे चलाना है इसको कैसे क्लीन करना है इसमें क्या क्या इसकी लिमिटेशन है वो मैनुफेक्चरर ही बेहतरीन बता सकता है हमारा खालिक अल्लाह है हमारे घर का सिस्टम हमारी सोसाइटी का सिस्टम इवॉल्व और क्रिएट करने वाला मैन्युफैक्चरर अल्लाह अकमल हाकमीन है और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल उस मैन्युफैक्चरर का उस क्रिएटर और उस खालिक का ऑपरेटिंग मैनुअल कुरान है अपनी जिंदगी अपनी जात, अपना घर अपनी घृहस्थी अपना सिस्टम ऑफ लाइफ कैसे गुजारना है वो क्रिएटर की गाइडेंस कुरान का मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर का ऑपरेटिंग मैनुअल ही हमारे लिए बेहतरीन गाइडेंस है कुरान के साथ जुड़ जाइए कुरान के साथ जुड़ जाइए यही मुझे और आपको गाइड करेगा यही मुझे और आपको सक्सेसफुल और द बेस्ट कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाएगा और मैं आपको बताऊं मैं दिल की गहराई से बताऊं हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम कुरान पढ़ने वाले कुरान रखने वाले लोग हम बहुत नसीब हैं। आप देखें कि जिन लोगों के पास कुरान और हदीस की गाइडेंसेस नहीं है जिन कौमों के पास जिन अध्यान के पास वो जिंदगी कैसे टामक से गुजारते हैं हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं वो सारी जिंदगी हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं और फिर जब जिंदगी गुजार देते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि ओहो माँ को क्या पोजीशन देनी थी बीवी को क्या पोजीशन देनी थी हस्बैंड को क्या लेवल देना था भाई और बाप को क्या पोजीशन देनी थी कैसे किसके साथ बिहेव करना था वो जिंदगी पूरी गुजारने के बाद उनको अपने एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ से पता चलता है वेयर डिड आई गो रॉन्ग एंड वॉट शुड आई हैव डन एंड वॉट आई शुंट हैव डन बट बाय दैट टाइम उस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ के साथ जो नॉलेज और जो बातें पता चलती है उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जिंदगी गुजर चुकी होती है हम अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं वहां पे गलतियां करके हालात को बिगाड़ चुके होते हैं हम कुरान पढ़ने वालों को ये हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है हमें अपनी जिंदगी के नए मरहले शुरू करने अपने रिश्ते शुरू करने से पहले कुरान और हदीस की गाइडेंसेस मौजूद हैं वी जस्ट हैव टू कनेक्ट वी जस्ट हैव टू रिलेट टू देम और फिर उस अल अलीम अलिम की गाइडेंस हमें बताती है कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है तुम्हारी ड्यूटीज क्या है तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए तुम्हारे अखलाक तुम्हारे मामला तुम पर तुम्हारे शौहर का तुम्हारे सास ससुर का तुम्हारे वालदेन का क्या बैलेंस है और क्या तुम्हारे लिए कैरेक्टर और अखलाक होने चाहिए सब गाइडेंस टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल और डिटेलिंग के साथ मौजूद है तो मैं आपको सबको सबको न्यूली वेड्स और सबको ये कहूंगी कि प्लीज आज के दौर में जब हमारे पास मोबाइल्स हैं तो इसमें कुरान को डाउनलोड कर लीजिए आई वोट आस्क यू कि बहुत ज्यादा टाइम लगाए लेकिन 10, 15 मिनट्स डेली प्लीज प्लीज कनेक्ट विद कुरान अपने मोबाइल को चार्ज करती हैं ना तो अपने ईमान को चार्ज करने के लिए अपने आप को गाइडेंस देने के लिए अपने आप को जन्ना की गाइड और दुनिया की तरक्की की गाइड देने के लिए प्लीज टेन टू फिफ्टीन मिनट्स डेली अरबी पढ़ लीजिए और उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए इनशाला जरूर रहनुमाई मिलेगी जिंदगी चेंज हो जाएगी एकदम से हमारे हालात हमारा माहौल जिस घर में हम जाएंगे वहाँ का खाना वहाँ का पीना वहाँ के लोगों के डीलिंग्स वहाँ की प्रेफरेंसेस, वहाँ की प्रायरिटीज वहाँ की तरजीहात, वहाँ के लोगों के अखलाक वो सब फर्क होंगे उनके सोने के जागने के खाने के पीने के मामला इकनॉमिक मामला सब एकदम से रेडिकली चेंज होके रह जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन अब इसमें करने के अगले दो काम मैंने अभी आपको जो आयत बताई थी उसमें मैंने क्या कहा था वस्कुरूनी असकुरूली वाला तकफरूनीत तो अब अगले दो काम शुक्र और नमाज पे मैंने पहले बात कर ली अब अगले दो काम इस रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजिंग ऑफ कंडीशन में सबसे पहला करने का काम सबर डोंट पैनिक स्टे कूल जस्ट रिलैक्स टेंशन नहीं लेनी है चिल करना है रिलैक्स करना है सबर तहमुल पैनिक नहीं करना है टेंशन एंग्जाइटी अपसेट नहीं होना है और फिर मैं आपको बताऊं जल्दबाजी नहीं करनी है आज हमारी बच्चियों की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं इनडिसेंट हेस्ट करते हैं और बहुत जल्द फैसले करते हैं आई सी एंड आई नो सो मैनी गर्ल्स जो अपनी शादी के जस्ट लाइक फ्यू मानस आफ्टर द शादी एंड जस्ट जिस का टेल मी के बस मेरा नहीं गुजारा वहाँ पे बस मैं वहाँ रह नहीं सकती बस मेरी चलेगी नहीं बस मेरा निभेगा ही नहीं आई जस्ट कान गेट अलॉन्ग नहीं जल्दबाजी नहीं करनी आप सला वाइस ने फरमाया था अल आजिला तो मिना शैतवान जल्दबाजियां सारी के सारी शैतान का काम है टेक योर टाइम कुछ कुछ देर उस सारे सिस्टम को देख तो लो और कुछ अपना आप उनको दिखा तो लो कुछ उनको समझ तो लो और कुछ अपना आप उनको समझा तो लो टेक टाइम ब्रीदिंग टाइम लोगों को भी दे दीजिए जल्दबाजी नहीं करनी स्टे कूल स्टे कंपोज सबर पेशेंस तहमुल एंड स्टे रिलैक्सड एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम आपने कभी देखा है कि हम पौधा जब नर्सरी से लाते हैं और अपने लॉन में या अपने ऑर्चड में लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो इमिजिएटली वेल्ट कर जाता है मुरझा जाता है लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा वो जमीन में उसकी जड़ें जमती हैं वो वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करता है वो मॉइस्चर लेता है फिर उसको सनलाइट पड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता है उसका स्टेम ग्रो करता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता या तो एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी फूलों वाली बेल बन जाता है वो पौधा या एक बहुत बड़ा फ्रूट प्लांट बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर फल फूल और वो सब कुछ आता है ना तो इन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मेके से ससुराल शिफ्ट किया गया एक घर से दूसरे निजाम में शिफ्ट किया गया है तो आप कुछ थोड़ी देर के लिए मुरझाएंगी थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी घबराहट थोड़ी सी डिप्रेशन आएगी लेकिन दिस इज ऑल नेचुरल टाइम अदर पीपल टाइम जस्ट रिलैक्स जस्ट स्टे कूल इन कंपोज एंड कंटेंटेड और नो जल्दबाजी आपकी यहां पे थोड़ी सी जड़ें जमेंगी यहाँ कुछ यहां के रिसोर्सेस आप एब्जॉर्ब करेंगी यहां के माहौल को आप इनशा एब्जॉर्ब करेंगी तो इन बहुत जल्द आप एक बहुत खूबसूरत सी बेल बनेगी आप पे बरगोबार आप पर फल फूल आएंगे सो so रिलैक्स और रिलैक्स करने के लिए दूसरा नुस्खा जो मैं बताऊंगी फसकुरूनेसकुर ने कुरान में कहा ना वाला जिक्र अकबर जिक्र इलाही तो सबसे बड़ी बात है तो मैं न्यूली वेड बच्चियों को यही कहूंगी कि ये जो सबसे बड़ी बात है ना जिक्र इलाही के नुस्खे को थाम दीजिएगा ये वो नुस्खा है जो बहुत बड़ी कामयाबी का नुस्खा है क्योंकि आप देखें कि नाना करते हुए इस नए सिस्टम्स में अप्रूट होने के बाद डिस्टर्बड एन्वायरमेंट में टेंशन एंगजाइटीज परेशानी घबराहट स्ट्रेस ये सब कुछ है। नाम है बस फिर उस हालत में उस शैतान और एक अपना उस... लुकमा बना के फिर दिल में वसवसे से भी इस परेशानी और घबराहट की हालत में डालता है गलत किस्म के के, के से भी वो डालता है तो इन तमाम एंग्जाइटीज और डिप्रेशन से बचने के लिए और फिर इन एंग्जाइटीज में शैतान के वसवसों से बचने के लिए सबसे मुजरब और सबसे इफेक्टिव टूल जिक्र अल्लाट डू आई मीन बाय दिस कि दिल में अल्लाह की याद और जबान पर अल्लाह का नाम हो और ये कैसे वर्क करेगा अल्लाह ने कुरान में कहा ना अला बिक्रतमूब कि देखो अल्लाह का जिक्र जब करोगे ना तो तुम्हारे दिलों को इतमिन मिलेगा यू वॉन्ट टू स्टे contented? यू वॉन्ट टू स्टे रिलैक्सड एंगजाइटी टेंशन डिप्रेशन खलास करना चाहते हो अपनी जबान पर जिक्र रखो और हदीस बताती है कि इंसान के दिल के दो हिस्से हैं एक में उसका शैतान एक में उसका फरिश्ता जब वो जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है लेकिन जब वो जिक्र छोड़ता है तो शैतान वापस आता है अपने दिल के हिस्से पर चोंच रखता है और एक वसफसा डालता है एंड यू नो वॉट शैतान का वसफसा क्या होता है कोई फितना कोई फसाहत कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई मायूसी कोई डिप्रेशन को नाउमीदी तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए जिक्र जिक्रिलाी अपनी जबान पर जिक्र जारी रखें वो चाहे आउजु बिल्ला गुस्सा आए तो बिल्ला ही बिल्लाम शौन रजिम पढ़ लीजिए खामोश उड़ जाए औरत का हथियार उसका सबर और उसकी खामोशी है गुस्सा आ रहा है कोई लड़ रहा है कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कोई तनकीद कर रहा है आपको किसी ने वन डाउन कर दिया या इन्वायरमेंट आपकी पसंद का नहीं है खाना आपकी पसंद का नहीं है कोई प्रायरिटीज आपकी पसंद की नहीं गुस्सा आ रहा है आप इरीटेट हो रही हैं आउजु बिल्ला पढ़ना शुरू कर दीजिए उसके बाद आप परेशान हो रही हैं एंगजाइटी हो रही है टेंशन हो रही है या हयू या क्यों बेरोहमति का नस्तकीस बस ये पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर दरूद जो है ना वो इतना सुकून देता है वो इतना रिलैक्स करता है बिलीव यू मी ये जिक्रे इलाही, ये एंटीडोट्स है स्ट्रेस का जिक्रे इलाही ये बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है ये तमाम इलाही बेहतरीन एंग्जियोजेटिक्स हैं ये बेहतरीन पैनिक कंट्रोल थेरेपी है हस्बैंड की कोई बात बुरी लग रही है वो बात नहीं मान रहा तो आज शुरू कर दें रबना हबलना में नजवाचीना व सुरियातना कुर्रता यो ने वजालना लिल मुत्तकीना इमामा अल्लाह अल्लाह मेरे शोहर को मेरी आंखों की ठंडक बना दे फिर कोई परेशानी है रबी नीलिमान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर सो so, मैंने आपको बेसिकली चार चीजें बताई हैं गुस्से में आउज बिल्ला फिर उसके बाद परेशानी में या हयू या क्यूमिरती का नस्त बस पढ़ती जाए पढ़ती जाए पढ़ती जाए इन ठीक हो जाएगा सब कुछ और फिर यहाँ घबराहट है परेशानी है टेंशन है डिप्रेशन है दरूद पढ़ना शुरू कर दीजिए शहर की तरफ से कोई अपसेटिंग है तो रबना हबलाना की दुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए सारी इन्वायरमेंट में कोई परेशानी है तो रब्बी इन नील जलता इलाइया मिन खैर इन फकीर पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर जिक्र में दुआए ना आपको कोई स्ट्रेस है कोई एंजाइटी है कोई परेशानी है तो फिर क्या करें हमारा रब तो कहता है ना कॉल कौला लकुम तुम्हारा रब तुम्हें कहता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वो कहते हैं मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूँ इस अला का इबादी अन्नी फानी करीब बंतु तो पूछते हैं कि कहा तो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं अम्मा तो मेके में अपने घर में बैठी हुई है बहन अपने ससुराल में बैठी हुई है सहेलियां अपने घर में है लेकिन रब मेरी शहरक से ज्यादा करीब है तो मैं आपको एक और बात बताऊंगी इस नए सिस्टम में जाने के बाद एक नए शोहर के साथ एक नए इन लॉज के साथ एडजस्ट करने के बाद ऊंच नीच होगी परेशानियां होगी घबराहटें होंगी कभी बातें आपको परेशान करेंगी कभी हालात आपको परेशान करेंगे कभी सिचुएशंस आपकी मर्जी और ख्वाहिशों के खिलाफ जाएंगी कभी कड़वे कसैले जुमले सुनने पड़ेंगे कभी तनकीद भी होगी कभी क्रिटिसिज्म भी होगी कभी शिकवे शिकायतें भी होंगी लेकिन आपने क्या करना है इन सारी सिचुएशंस में हजरत याकूब अल्लाम पर जब एक के बाद दूसरी तकलीफ आती चली गई तो उन्होंने क्या कहा था इन नमाश को बसिवाजनी मेरा शिकवा शिकायत रोना धोना सिर्फ अल्लाह की तरफ है दैट इज वॉट यू हैव टू डू इस बात को पल्ले से बांध लीजिए जब भी कोई परेशानी और घबराहट है आप किसी के बिहेवियर से तंग हो रहे हैं अपसेट हो रहे हैं अपना रोना धोना शिकवा शिकायत अल्लाह के बंदों अपने रिश्तेदारों अपनी सहेलियों अपनी बहनों अपनी माओ के सामने नहीं अल्लाह के सामने करना है क्यों आर मैनी रीजन फॉर दैट सहेलियां तो पता नहीं बहुत दफा सुनने को भी तैयार नहीं और सुनेंगी एक सुनेंगी दो दफा सुनेंगी तीसरी दफा कहेंगी तो एक ही रोना रोती रहती है एंड मोर ऑवर द बेस्ट एंड द लॉयल फ्रेंड इवन यू थिंक अ वेरी लॉयल माई नॉट बी द सेम आप जब एक बात दिल की वहां पर बोझ हल्का करेंगी तो शायद वो गॉसिप एंड टॉक ऑफ द टाउन बन के वो बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी और बहुत दफा एक जबान से अगली जबान तक वो बात बहुत बढ़ चढ़ जाती है अम्मा और बहन से बात क्यों नहीं करनी अम्मा से बात अल्लाह कुरान में कहता है ना फला तकुल्ला उफ कि अपने वालदेन को तो उफ़ भी ना कहो ये एक तो इस हवाले से है कि उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी ना करो लेकिन एक इस हवाले से भी है कि उनको अपना दुखड़ा अपना गम ना बताओ मैं आपको बताऊं दैट इज वट एक्चुअली आई फील फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एक बेटी अपने घर के दुखड़े अपने गम के थारसिस करने के लिए अपनी मां को बता जाती है मेरा शोहर ये नहीं करता वो नहीं करता उसने ऐसे डांटा उसने ये किया और वो खुद शायद रात को जाके खुश भी हो जाती है एवरी थिंग गेट्स ऑल राइट लेकिन वो माँ आप जब माँ बनेंगी तो आपको पता चलेगा माँ जो होती है ना उसको अपने तकलीफ से ज्यादा अपने बच्चे की तकलीफ हर्ट करती है वो बेटी जब अपना दुखड़ा रोके चली जाती है ना तो बेटी शायद अपने घर में खुश भी हो जाती है बाद में लेकिन माँ शायद सारी रात जागती रहती है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपना सारा बोझ अपना सारा दुख अपना सारा गम अपनी मां के कंधों पर आएंगी उसकी रातों की नींद बर्बाद कर देंगी आई फील फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्थ दैट अ डॉटर इज बींग वेरी वेरी सेल्फिश अपना बोझ हल्का करने के लिए अपनी मां को दुखी और कमजता कर देना और फिर मां के दिल में जो दरार पड़ जाएगी ना आपके शौहर और आपके ससुराल के खिलाफ फिर वो ठीक नहीं होगी और उसके साथ रिलेशनशिप्स खराब होती हैं और उसकी रिप्रिकॉशन फिर हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी और भुगतनी पड़ेगी और फिर सबसे बड़ी बात जब माओ बहनों को, को कोई बात बताई जाती है तो बस बसाका उसमें गीबत भी हो जाती है और उसमें तोहमत और बहतान भी हो जाता है और गिबत अल्लाह का एक मना करता काम है अल्लाह की एक नाफरमानी का काम करके फिर हम उसकी मदद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि माओ और बहनों को जब सिचुएशंस बताई जाती हैं और उनसे मशवरा लिया जाता है तो मैं आपको बताऊं कि वो माँ बहन क्या मशवरा देंगी वो माँ और बहन तो वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन रही है ना वो तो करेक्ट परस्पेक्टिव में है ही नहीं है टू गिव द करेक्ट एडवाइस असल बात तो आलिम ग़ैब रब की है ना और फिर माँ और बहन अव्वल तो सही एडवाइस और गाइडेंस दे नहीं सकती और दे भी सकती हैं तो मैक्सिमम गाइडेंस ही दे सकती है ना हमारे दुख हमारे गम हमारी परेशानियों को हल तो नहीं कर सकती तो बस जो आलिमुल गैब नहीं जिनके पास गायब का इल्म नहीं जो हालात की गहराई का खबर नहीं रखती फिर जो हमारी तकलीफ को गम को दूर नहीं कर सकती उनको क्यों बयान करती हैं उनको क्यों दुखी करती हैं उसको कहें जो कहता है कि दुआ करो उसको कहें जो दुआ को इबादत का मगज कहता है उसको कहें जो दुआ करने वाले से राजी और ना करने वाले से नाराज हो जाता है और उसके आगे अपने दुखड़े अपने गम, अपनी परेशानियां बयान करें जो टालने पर कािर है जिसके हुक्म से आई है उसी के हुक्म से जाएगी उसी को बताएं, उसी के आगे नमाज जिक्र करके अपनी हाजत रवाई करें और यह भी याद रखिएगा उस रब को अपनी हाजत रवाई करने और उसको दुआएं करने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी दुआ करने के बाद तवक्कुल करें कभी जल्दबाजी मत करें यकीन और वसूख रखें इन वो दुआएं कबूल जरूर करता है और दुआएं करने वाले को नामुराद नहीं करता वह लम्बकुम भी दुआ एक रबी शकिया अल्लाह तो से दुआ करके तो मैं कभी नामुराद हुआ ही नहीं तो दुआ करें लेकिन दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी ना करें वो दुआएं कबूल करता है ये बात पल्ले से बांध लीजिएगा वो रब अलीम है और हकीम है जब हम दुआएं कर रहे होते हैं तो वो समी सुनता है वो हमारी हालत को बसीर देख रहा होता है उसको हमारी सब सिचुएशंस की खबीर को खबर होती है और वो समी हमारी दुआएं सुनता है और उन तमाम हालतों को जानने देखने और सुनने के बावजूद अगर वो दुआ की कबूलियत में तख़ीर कर रहा है तो याद रखिए वो हकीम है उसके हर हुक्म में हर काम में कोई ना कोई हिकमत है कभी दुआ जल्दी कबूल करता है कभी देर से कबूल करता है लेकिन अगर देर से भी कबूल करेगा तो उसमें भी कोई ना कोई खैर और हमत ज़रूर कार फरमा होगी अच्छा अब नुस्खे दोहरा लीजिए जो मैंने अब तक के लिए आपको बताए मैंने एक तो कहा कि शुक्र करना सीखिए और न शुक्री से बचिए नमाज कायम करें और नमाजों को तर्क करना छोड़ दीजिए अपनी पाकी और तहारत के मामले में बहुत हसास रहें अपनी जक़ात का तयन और उसके बंदोबस्त का अहमाम शुरू से करें बिल कुरान कम अज कम दस से पंद्रह मिनट का रोजाना जरूर कायम रखें सबर करें तहमुल करें और जल्दबाजी से बचें और सबर के लिए जिक्र इलाही किसी शक्ल में अपनी जबान पर जारी रखें और फिर दुआ करें और दुआ करके उस हकीम रब की हमतों पर तो्कुल करें ये तो मामला यहाँ तक हुए उसके बाद अपने जिसम के दो आजा अपने बॉडी पार्ट्स में से दो बॉडी पार्ट्स को हमें प्योरीफाई करना है प्रोटेक्ट करना है ट्रेन करना है कंट्रोल और रेक्टिफाई करना है दिल और जबान इनको प्योरीफाई प्रोटेक्ट ट्रेन एंड कंट्रोल कर लेगा जो वो कामयाब हो जाएगा दिल के लिए आप सल्लाम ने फरमाया ना कि जिसम में एक टुकड़ा है जब तक वो ठीक रहता है तो सारा जिसम ठीक रहता है और जब वो खराब हो जाए तो सारा जिसम खराब हो जाता है आपने फरमाया खबरदार सुन रखो वो टुकड़ा दिल है तो अपने दिल को साफ करना है पांच चीजों से अपने दिल को जिसने साफ कर लिया अल्लाह कुरान में फरमाता है कद अफला व कद मन दस कामयाब हो गया वो जिसने अपने दिल का तस्किया कर लिया दिल को पांच चीजों से साफ करना है नंबर वन तकबर एरोकेंस, घमंड, करूर तकपुर नई ब्या हुई बच्चियों के दिलों में बस औकात मैं खूबसूरत बहुत हूँ मैं पढ़ी लिखी बहुत हूँ मेरी डिग्री बहुत है मेरे मेके वाले मालदार बहुत हैं। मेरा अब्बा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशन बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून मेरा जहेज बहुत ज्यादा मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा मेरे भाई बहुत नहीं कोई तकबर नहीं दिल में तकबर आ गया तो आप अपने ससुराल में घुल, मिल, रच बस सास नंद देवरानियों जिठानियों से वन अप होने की फीलिंग हुई तो मामला नहीं बढ़ेगा तकबुर आउट खलास दिल में से निकाल दीजिए वैसे भी अल्लाह को तकबुर पसंद नहीं है अल्लाह तो कहता है जो तकबर करेगा मैं उससे इंतकाम लूंगा और जिसके दिल में राई भर भी तकबर हुआ वो जन्नत पे दाखिल नहीं होगा ना दुनिया का घर जन्नत ना आखरत की जन्नत तकबर निकाल दीजिए खलास दूसरी बात हसत जेलसी का जज्बा ये भी बसाओकात हमारी खुशियों का रोग बन जाता है मेरी सहेली का हस्बैंड बहुत अच्छा है मेरी नंद के लॉज बहुत अच्छे हैं मेरी बहन का घर बहुत बड़ा है फला के पास डायमंड सॉलिटेयर है हसद नहीं होगा चैलसी नहीं होगी ये नेकियों को भी बर्बाद करता है खुशियों को भी रोग लग जाता है हसद से भी दिल को साफ कर लीजिए फिर लालच लालच हिरस हवस तमा लालच लास्ट एंड डिजायर ऑफ मनी ये जो माल मनी रिलेटेड इश्यूज है ना ये गद्दे जज्बे भी दिल से निकाल दीजिए ये जो मनी रिलेटेड इश्यूज है ना हे मैं बड़ा सॉलेटेयर कभी पहनू ना काश मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए हे हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आ जाए मेरा शोहर बहुत ज्यादा मालदार हो जाए ये जो हिरस और हवस और तमा है ना ये भी बर्बाद कर देती है घरों को तो डे वन से दिल में ना लालच और हिरस नहीं लाना और फिर चौथी चीज जिससे दिल को साफ करना है ना आपस के ह्यूमन रिलेशनशिप्स में मेके की जिंदगी में शायद बहुत सब लोग बहुत नरमी बरत रहे होते हैं और हम शायद बहुत सी चीजों से गेट अवे भी कर जाते हैं लेकिन अब हम अपने कदमों पे खड़े हो गए हैं हम अब खुद इंडिविजुअल्स हैं हमने खुद डील करना है हमने खुद अपनी रिलेशनशिप्स बनानी है तो इन रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने दिलों को कीने और बहुत से साफ करना है ये जो आपस की गंदी मैली कड़वे कसैले जज्बात है ना वो जैसे होता है ना कि आई जस्ट कांट स्टैंड द नेक्स्ट पर्सन जहर लगता है मुझे वो फलाना बंदा मुझे वो बंदा में वो टॉलरेट नहीं कर सकती ये है कीना और बोहस आपस की नफरतें कीने बोहस इन गंदे कड़वे कसैले जज्बात से अपने दिल को साफ कर लीजिए और मैं आपको बताऊं कि जब दिल कीने और बोहस से साफ होता है ना तो दिल बहुत हल्का हो जाता है और मुझे वो हदीस बहुत प्यारी लगती है जन्नतियों के दिल परिंदों की तरह साफ होते हैं तो वो अल्लाह की जन्नत हासिल करना चाहती है और अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है ना तो अपने दिल को इन गंदे भारी मेले जज्बात से साफ कर दीजिए ताकि जो सारे रहम के रिश्ते हैं जो रिलेशन ऑफ किन है उनके अंदर मोहब्बत आ जाए और ये भी बहुत ही बताऊंगी कि जो रहम के रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते हैं जो ब्लड रिलेशन है ना उनकी अहमियत को कभी सेकेंड प्रायोरिटी मत बनाइएगा हदीस में आता है लाया खन उल जन्नाता कौते रहम कता रहमी करने वाला रहम के रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा रहम के रिश्तों को काटेंगे अपनों को भी नहीं काटना और अपने हस्बैंड के रहम के रिश्ते अपनी चालों से अपने अपनी ज़बान से, उसके मशवरों से उसको उसकी बहन से उसके उसके भाइयों से उसकी मां बाप से उसके रिलेटिव से उसको काटने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि हदीस के अल्फाज पल्ले से बांध दीजिए अल्लाह सब हदीस खुदसी में फरमाते हैं अल्लाह ने रहमे मादिर से फरमाया था कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा जो जो काटेगा मैं उसे काट दूंगा मन वसला का मन गता का गता तो मन कता का जोड़ेगा मैं उसे जोड़ दूंगा। जो जुदे काटेगा मैं उसे काट दूंगा जो जो रिलेशन ऑफ किंग जो ब्लड रिलेशन को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ देगा खुशियों के जरियो से राहतों से सुकून से कुरान से इज्जत से जोड़ देगा जो ब्लड रिलेशन को काटेगा का, अहम मुमकिन है अल्लाह उसको काट देगा का। उसको हदायत से काट देगा का। उसको इज्जत के जरियो से काट देगा का। उसको उसको अपने अपने वालों से अपने बहन भाइयों से काट देगा का। उसको उसको रिस्क के जरियो से काट देगा का। तो रहम के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा और फिर दिल में अल्लाह का खौफ रखना है ये मैं सब बच्चियों को कहा करती हूं खुद बह निकाह में भी तकवा का तस्वुर है आपने जो काम करना है अल्लाह से डर के करना है अपनी बरादरी से अपने रिश्तेदारों से अपने हमसायों से अपने दोस्तों से शोहर से ससुराल से किसी से डर के नहीं अल्लाह से डर के काम करना है अल्लाह से डर के काम करेंगे ना तभी उसमें हमेश की और परसिस्टेंस और परसवेरेंस होगी और फिर हर काम में नीयत को अल्लाह के लिए खालिज कीजिए आप अपने ससुराल में अपने नए सिस्टम में जाके जो भी काम करें यह बात याद रखिएगा उसको दुनिया को खुश करने और दुनिया को राजी करने के लिए सास सुसर को ससुराल को खुश करने और शोहर को विन ओवर करने के लिए, लिए नहीं अल्लाह को राजी करने के लिए करना है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक दफा हम दुनिया में काम करते हैं ना तो हम अचीव नहीं करते और हम अपना गोल हासिल नहीं करते और हमें दुनिया में रिजल्ट्स नहीं मिलते तो अगर हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं ना और लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं और वो खुश नहीं होते तो फिर हम डिप्रेशन और मायूसी का शिकार होते हैं लेकिन हम अल्लाह को राजी करने के लिए और आखिरत में रिवॉर्ड हासिल करने के लिए करते हैं ना तो कोई डिप्रेशन नहीं होती कोई एग्जाइटी कोई मायूसी नहीं होती और फिर हम साबित कदमी और पिसिस्टेंस से भी काम करते हैं और फिर क्या होता है एंड ऑफ द टाइम स्लो एंड स्टेडी द रेस तो लिहाजा नीयत जब भी कोई काम करना है उस काम में नीयत अल्लाह को राजी करने की करनी है और काम अल्लाह से डर के करना है ये तो दिल का मामला हुआ अब जबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब इब्ने आदम सुबह करता है तो जिस्म के सारे आजा जबान के आगे आजी करते हैं और वो कहते हैं कि अगर तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू खराब होगी तो हम भी खराब होंगे हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहे और तू सीधी रहे तो अपनी जबान को दुरुस्त रखना है आप सलाह सिंह फरमाया था जो मुझे शर्म की हिफाजत का जिम्मा देता है मैं उसे जन्नत का जिम्मा देता हूं तो अगर आखरत में जन्नत और दुनिया के घर को जन्नत बनाना चाहती हैं तो अपनी जबान की हिफाजत करें मैंने जबान के लिए जबान पर जिक्र का जारी रखना तो बताया लेकिन अपनी जबान को अपनी जबान को गाली गलोच से बत से शाउटिंग येलिंग चीखना चिंगाड़ना ये भी आजकल बहुत कॉमन है बदसबानी झूठ और फिर सबसे बढ़ के चोगली और गईबत से बचाना है मैं आपको बताऊं ये चुगलियां और गईबतें हम बहुत ही खामोश माहौल में भी करें ना तो दीवारों की भी कान हैं और ये की जाने वाली गीबें पता नहीं कहां कहां से किधर किधर पहुंच जाती हैं और फिर वो हदीस के जब एक औरत अपने शोहर के ऐप बयान करती है तो वो जहन्नुम की आग को अपने लिए तेज करने का बंदोबस्त करती है तो बस अपनी जबान की हिफाजत करें अल्लाह ने तो इसकी हिफाजत के लिए बहुत से इस्बाब दिए हैं ना तो अपनी जबान की हिफाजत करें अपने दिल के साथ अच्छा इसके बाद मैं आपको आपके शौहर के कुछ हकूक और डीलिंग समझाऊंगी शोहर के हवाले से जो पहली चीज इसको गिरा लगा के नोट लगा के अपने दिल में बांध के जहन नशीन कर लीजिए अल्लाह ने कुरान में वाज तौर पर फरमाया है अर अर्रजाल कवाम मर्द औरतों पर कवाम है शोहर कवाम है शोहर की कवामियत को तस्लीम करना हुआ है उसकी सुप्रेमसी है कवामियत का मतलब क्या है दट वी एज अ वाइफ हैव टू एक्सेप्ट के हुक्म ऑर्डर पॉलिसी अथॉरिटी डिक्टेशन डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग फैसला मर्जी उसकी चलेगी वो कवाम है अथॉरिटी उसकी चलेगी पॉलिसी उसकी चलेगी डिक्टेशन उसकी होगी और हमें उसकी इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करना है जो बीवी अपने शोहर की अवामियत को एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देती है वो कामयाब है मैं आपको मिसाल दूं हजरत जैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी जात थी इनका निकाह नबी वसल्लम के मुँह बोले बेटे जो इनके ग़ुलाम भी थे उनसे हुआ अल्लाह का हुक्म था नबी अलैहि वसल्लम ने कहा और हजरत जैनब ने एक्सेप्ट तो कर लिया पर चूंकि ये खानदानी तौर पर हजरत जैद से वानाप थी तो ये उनकी अवामियत को तस्लीम नहीं कर सकी थी हजरत जैनब नबी सोतरमा हुई उमुलमोमिन और हजरत जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे इनका लकब हब्बे रसूल अलैहि वसल्लम था इनका नाम कुरान में आया ये वाद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया ऐसे दो बेहतरीन साहब और सहाबियात जब बीवी ने शोहर की सुप्रेमसी और कवानियत को तस्लीम नहीं किया था तो इन दोनों का घर नहीं चला था मामला तलाक तक पहुंच गया था घर टूट गया था किसी भी घर में अगर बीवी शोहर की कवामीत को तस्लीम नहीं करेगी तो या तो घर चलेगा नहीं निबेगा नहीं तलाक हो जाएगी और अगर चलेगा भी तो घिसटता हुआ निज़ाम चलेगा उसमें खुशी सकून नहीं होगा मोहब्बत नहीं होगी और वो वो घर खुशी का गहवारा नहीं होगा उसकी कवामियत को तस्लीम करने और जो कुरान ने कहा अर्र जालू सारे के सारे मर्द चाहे वो पढ़ा लिखा है बीबी से ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है चाहे वो मालदार है चाहे वो गरीब है चाहे वो कमजोर है चाहे वो ताकतवर है चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो टैलेंटेड है चाहे वो रिफाइंड है चाहे वो पॉलिश है चाहे वो अनरिफाइंड है जैसा भी है जब वो शौहर और बीवी ने उसके निका में हाँ कर दिया अपने आप को उसको जोजियत के हवाले कर दिया तो उसको उसकी अवामीयत को एक्सेप्ट करना ही करना तो इस हवाले से अब हर मुसलमान बीवी की बीवी बन जाने के बाद निकाह में आ जाने के बाद बुनियादी तौर पर दो ही फराइज हैं ये दो फराइज हैं बीवियों के और ये दो शोहर हैं हक, दो हकूक हैं शोहर के मेरे और आपके करने के बाहसीत बीवी बुनियादी तौर पर दो ही काम है जो अल्लाह ने सूरा नसा में बताएं ओने तातन और इतात का मतलब है फर्मा बरदार बीवियां शहर की ओबीडियंस मेरा और आपका पहला फर्ज है ये हुक्म खुदाबंदी है ये फरीजा दीन है ये हमारा फर्ज है और हमारे शहर का हक है कि हम उनकी ओबीडियंट बीवियां बन के रहें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वाले वसलम की अतात के बाद सबसे ज्यादा अतात का हक एक औरत के लिए शादी से पहले वालिद का है और शादी के बाद शोहर का है शोहर की अतात अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अला वाली वसलम की ना फरमानी के अलावा कोई काम कहता है तो फिर उसकी अतात की जाएगी ये हमारा फर्ज है और किस हद तक अतात है मैं सिर्फ एक ही हदीस यहां पे बयान करूंगी कि आप सल्लल्लाहु सल्लाह ने फरमाया कि जो तुम में से जो जन्नत की जन्नत और बहिशत की तलबगार हैं उन्हें चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल अलाम की अतात करें और अल्लाह की अतात हो नहीं सकती जब तक शौहर की अतात हो यानी शौहर की अतात होगी तो जन्नत का हसूल है और फिर आपने मिसाल के तौर पर शौहर की अताद के मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि यहां तक कि अगर वो शौहर कहे कि उन दो सुर्ख पहाड़ों के दरमियान दौड़ो तो उसे चाहिए कि दौड़े यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में, में थे और दो पहाड़ थे तो आपने इशारा करके कहा कि अगर शौहर एक ऐसी पॉइंटलेस सी बात भी कहे कि इन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ो तो ये नहीं कहना क्यों मैं क्यों दौड़ो क्या फायदा दौड़ने का ये कौन सा वक्त है दौड़ने का और तुम्हें क्या फायदा होगा दौड़ा के और तुम कौन होते हो मुझे दौड़ाने वाले नहीं समथिंग विच लुक्स सो पॉइंटलेस एंड सो अनरीजनेबल एंड सो यूजलेस वो जो कॉन्सेप्ट है ना देश्चन वाई टू डू एंड डाई ये कॉन्सेप्ट है शौहर की अताद का इस्लाम में कि वो कहता है कि उन दो पहाड़ों के दरमियान में दौड़ो तो जाहिर है कोई बूढ़ी है और वो कमजोर है और उसकी कमर झुकी हुई है वो नहीं दौड़ सकती तो उसके लिए तो छूट है शरा तौर तो पर लेकिन अगर दौड़ सकती है तो उसको सवाल जवाब किए बगैर अतात करनी और दौड़ना है तो ये शौहर की अतात है ये अल्लाह का हुक्म है शहर की अतात करनी है उसकी इजाजत के बगैर काम नहीं करना हदीस के अल्फाज है कि जब बीवी अपने घर से शौहर की इजाजत के बगैर निकलती है तो आसमान पर एक फरिश्ता उस पर लानत करता है और जिस जिस चीज पर उसका गुजर होता है वो उस पर लानत करती है यहां तक कि वो अपने घर लौट नहीं आती और हदीस में आता है कि जब बीवी अपने शोहर की अतात में लगी होती है तो उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करती हैं जिस जिस लिसन और इसको पल्ले से बांध दीजिएगा एक बीवी जब अपने शोहर की अतात में लगी होती है तो उस पर रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं हवाओं के परिंदे जंगल के दरिंदे समुन्दर की मछलियां और आसमान पर फरिश्ते जब तक वो उसकी अतात में लगी रहती तो शोहर की अतात उसकी ओबीडियंस ये करने का पहला काम और फिर करने का दूसरा काम शोहर के हवाले से हाफिजात उसकी हिफाजत उसके राज उसका माल उसकी इज्जत उसकी आबरू की हिफाजत शोहरों के राजों को उसकी बातों को उसके ऐबों को बयान करना उसके राजों को बयान करना फिर उसके माल और इज्जत की हिफाजत उसके घर बार की हिफाजत और फिर जो अपनी दोस्त सबसे प्यारी महबूब हस्तियां मां और बाप बूढ़े छोड़ के जाता है वो शोहर की अमानत भी होते हैं शोहर की बेहतरीन महबूब चीजें भी होते हैं उनकी फर्मा बरदारी और खदमत शोहर का हुक्म भी होता है और फिर जैसे हदीस कहती है कि एक औरत जब अपने शोहर की खिदमत में लगी होती है उस वक्त वो अपने रब के करीब तरीन होती है तो मैं बच्चियों को ये कहती हूं कि अगर शोहर की खिदमत से अल्लाह का कुर्ब है तो वो खातून जिसके कदमों में शौहर की जन्नत है उसकी खिदमत से क्या मिलेगा तो लिहाजा उन सास ससुर को भी मां समझ मां बाप समझ के अपने शोहर की हिफाजत के हवाले से भी उनकी हिफाजत करना शोहर की खिदमत अल्लाह के कुर्ब के लिए करना और फिर शोहरों के लिए बनना संवरना सजना माशरे की दुल्हन नहीं बनना है अपने शोहर की दुल्हन बनना है हदीस बताती है कि जो बीवी अपने शोहर के लिए सजती और बनती है वो 200 साल की इबादत का अजर दी जाती है। तो बनाओ सिंगार करें उसके लिए सजें आज हमारी बच्चियां घरों में तो मासियों की तरह के हुलिए बना के रखती हैं दो रंगे कपड़े पहने में बाल बिखरे में नहीं अपने शोहर के आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करें अपने आप को ठीक करें अपने आप को बनाओ सिंगार करें और वो लिबास जो उसको पसंद है वो पहने हाँ अगर वो शरीय की हदूद के अंदर है तो अब फिर बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी बात कहूंगी वो इस्तार इस को अपना मामूल बना लीजिए इस का मतलब सौ दफा या हजार दफा अस्तफरुला कहना सुबह या शाम या उसकी तस्वीर झपना नहीं है इस तखफार का मतलब है अपनी किसी अपना मुहासबा करना सेल्फ ऑडिट करना और फिर उसमें जो कमियां कोताहियां उनको एक्सेप्ट करना फिर नदामत और पशेमानी से अल्लाह से तोबा करके उनके इसलाह और उनको करेक्ट करने की का वादा करके इसलाह करने की कोशिश करना दिस इज एक्चुअली वट इज तज अब जब हम नए सिस्टम में जाते हैं तो बहुत से झगड़े बहुत सी ऊंच नीच बहुत सी खफकियां और नाराजगियां और फिर वो चीजें तूल पकड़ती जाती हैं और एक्चुअली वट है कि हमेशा ये चीजें ये रंजिश तूल इसीलिए पकड़ती हैं कि हम व्हाट वी थिंक ऑलवेज थिंक इन बिलीव इज के द नेक्स्ट पर्सन इज रॉन्ग एंड वी जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग फॉल्स विद द रेस्ट ऑफ द पीपल वो जो कहते हैं ना कि रहे देखते औरों के ऐबो होनर पड़ी अपने ऐबों पे जब नजर जहां पे कोई बुरा ना रहा तो जहां में कोई बुरा नहीं रहेगा राधा दिन फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल वी जस्ट नीड टू लुक इन टू आर ओन गिरेबान हम क्या कर रहे हैं मैं कहा गलत हूं और मैं आपको बताऊं ये भी बात याद रखिएगा कि जो काम वाक्यता कोई दूसरा गलत कर रहा है हम उसको तो ठीक नहीं कर सकते ना हमारे पास इख्तियार ही नहीं है हो सकता है वाक्यता दूसरा बंदा गलत हो लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को ठीक करने का इख्तियार हम रखते हैं और वैसे आप जानती हैं कि ताली दोनों हाथों से नहीं बचती ना जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती दोनों की कुछ ना कुछ होती है हम दूसरे को ठीक नहीं कर सकते हम अपने को अगर ठीक कर लेंगे तो इन लड़ाई झगड़े का खात्मा हो जाएगा और घर में सुकून हो जाएगा तो अपना सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ एनालिसिस के बाद एरेडिकेशन ऑफ वॉट वी फाइंड वी आर डूइंग रॉन्ग तो ये तोबा है इन तवाबिन अल्लाह को तोबा करने वाले बहुत पसंद हैं और इस तखबार के लिए वो हदीस मैं अगर आपको नरेट करूं तो मेरा ख्याल न्यूली वेड बच्चियों के तो सारे मसले इस तखबार के साथ रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जब कोई शख्स इस को अपने लिए लाजिम कर लेता है जब कोई शख्स इस को अपने लिए लाजिम कर लेता है तीन रिवॉर्ड्स हैं गौर से सुनिएगा अल्लाह उसके दिल को सकीना देता है उसके लिए हर मुश्किल से निकलना आसान कर देता है और रिस्क उसको वहां से देता है जहां से उसको उम्मीद भी नहीं होती हजरत यूनू सलाम जब मछली के पेट में गए थे तो उन्होंने भी इस्तार ही किया था लाला ला सुबहाना का इनकी कुंमी उन्होंने कि सुबह तरफ से इतनी बड़ी तकलीफ आई है कि मुझे मछली ने निकल लिया एन ही रियलाइज क्यों हो मैं तो अल्लाह का हुक्म आने से पहले अपनी बस्ती को छोड़ के हिजत करके निकल आया था तो फिर उन्होंने इस्तफार किया था और तोबा की थी और अल्लाह से मदद मांगी थी इस्लाह की तो अल्लाह ने क्या किया था अल्लाह ने उस मछली के पेट के अंदर उनको मुतमिन और पुरसकून कर दिया था हालांकि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी वहां पे मौत नजर आ रही थी भूखे प्यास से मरना नजर आ रहा था लेकिन ही वॉज कंटेंटेड फिर अल्लाह ने हर तकलीफ से निकलना कैसे आसान किया था कि मछली को हुक्म दिया था दिस वॉज लाइक नेक्स्ट टू पॉसिबल इतनी बड़ी तकलीफ से तो निकलना वो नेवर सीम पॉसिबल के मछली के पेट से भी कभी कोई निकला है तो जब उन्होंने इस्तफार किया तो अल्लाह ने मछली के पेट से निकाल दिया था मछली ने उगल के उनको साहेले समुंदर पर फेंक दिया था और फिर वहां उनकी सब स्किन डिब्राइडेड थी और सब अल्सरेटेड थी एंड ही ऑल बाई सेल्फ ऑन द सी श्योर तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने रिस्क वहां से दिया था जहां से उनको उम्मीद ही नहीं थी कद्दू की बेल उग गई थी और हरनी एक हिरनी डियर सुबह शाम आती थी और सुबह शाम उनको आके दूध पिलाती थी ना यू बिलीव इस्तफार ऐसे करता है जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे एक नए सिस्टम में लड़ाई है झगड़ा है प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं क्राइसिस हैं उस वक़्त राधा दिन फाइंडिंग फॉल्ट विद पीपल इस्तफार करें देखिए मैं क्या गलत कर रही हूं डिड आई shout? डिड आई डिड आई डू सम न शुक्री क्या मैंने कोई शिकवा शिकायत किया था डिड आई मिस बिहेव I आई नॉन जो भी था ट्राई टू एनलाइज योर सेल्फ एंड सेल्फ रेडिकेशन अल्लाह से तोबा करें इस्तार करें और फिर इसलाह का वादा करें तस्किया भी होगा अल्लाह सकीना भी देगा अल्लाह हर मुश्किल से निकलना आसान भी करेगा और अल्लाह रिस्क वहाँ से देगा जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी और एक नई ब्याही हुई बच्ची को सकीना ही चाहिए होता है मुश्किलों से निकलना आसानी होना जरूरी होता है और रिस्क की कुशादगी ही चाहिए होती है इन रसूलों को याद रखिएगा लेट्स रिवाइज एंड सम अप अगेन व्हाट आर वी गोइंग टू डू नंबर वन शुक्र नंबर वन शुक्र शुक्र के बाद नमाज कायम करनी है अपनी जक़ात का तयन करना है अपने गसल और पाकी का अहतमाम बग़ैर सुस्ती के कायम रखना है ताल्लुक बिल कुरान दिन में कमस, कम अज़ कम दस से पंद्रह मिनट विद ट्रांसलेशन ऑफ कुरान जारी रखना है सब्र करना है पेशेंट जल्दबाजी नहीं करनी है स्टे कूल इन कंपोज्ड इन पेशेंट और पेशेंस के लिए इलाही जिक्र <coughs> इलाही का बहुत से मैंने आपको जिक्र बताए और फिर दुआ करें दुआ करने के बाद उस रब पर तवक्ल करें वो हकीम है जब भी पूरी होगी उसमें कोई ना कोई हिकमत है अपने दिल को तकबर से हसद से लालच से कीने बुगत से साफ रखें रहम के रिश्तों को कायम रखें और डर सिर्फ अल्लाह का करके काम करें हर काम में नियत अल्लाह को राजी रखने की करें और अपने जबान को काबू में रखें और लगाम में रखें शोहर की अवामियत को तस्लीम करें शोहर की अतात करें अल्लाह के कुर्ब के लिए उसकी खिदमत करें उसकी इज्जत माल आबरू और उसकी महबूब चीजों की हिफाजत करें उसके लिए बने और सवरे और इस तखफार को अपना मामूल बनाए अल्लाह आपका मुहाफ़ हो अल्लाह आपका वली और निगरान बन जाए अल्लाह आपकी रहनुमाई करे अल्लाह अल्लाह मेरी दुआएं आपके हक हाँ में कबूल फरमाए और अल्लाह आपको कुरान और हदीस के मुताबिक अपने घरों को रंगने और अपने घरों को हदीस के इत्र से मुत्तर करने की तोफ़ी कता फरमाए अल्लाह आपको शहरों की आंखों की ठंडक और दिलों की बहार बनाए और आपके शहरों को आपके दिलों की ठंडक और आपकी आंखों की ठंडक बनाए आपको आपके वालदेन और आपके ससुराल वालों का हक शनास और अपने वालदेन और ससुराल वालों के लिए सदका जारिया बनाए और पना हबलना मिनाजवाचिना वुर्रियातना क़ुरता व वजालना लिलबुतना इमामा ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ خديتنا وحب لنا من لدنك إنك أنت الوحاب آمين سم آمين